स्वच्छता के इम्तिहान में पिछड़ा ऋषिकेश, जानते हैं क्यों? क्योंकि जी का जंजाल बन गया है लोगों के लिए कचरे का ढेर। सवाल अब पार्षद पूछ रहे हैं ऋषिकेश के कि आखिरकार कब मिलेगा बजट, क्योंकि पार्षदों का हल्ला बोल अब शुरू हो चुका है। बजट नहीं मिलने से कचरा निस्तारण कार्य रुका हुआ है। यह हम नहीं बल्कि पार्षद कह रहे हैं। पार्षद कहते हैं कि धरना प्रदर्शन अब हमें शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि शासन ने जल्द से जल्द बजट देने की बात कही थी लेकिन धोखा मिला। पर्याप्त बजट नहीं होने की वजह से शहर का विकास तो ठप पड़ा ही है। शहर की जो सुंदर आबोहवा है वो भी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। गोविंद नगर के पास टंचिंग ग्राउंड है जहां पर कूड़ा जमा होता है, कूड़ा निस्तारण होता है, वहां भी वो बंद हो गया है। ठेकेदार ने भुगतान नहीं किए जाने पर टंचिंग ग्राउंड में कचरा निस्तारण प्लांट को बंद कर दिया, जिससे नाराज होकर पार्षदों ने शासन से 3 दिन में बजट देने की मांग की। मांग पूरी ना होने पर पार्षदों ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर 1 हफ्ते में मांग पूरी ना होने पर धरना देने का ऐलान कर दिया। बकायदा गुरुवार को नगर निगम सभागार में पार्षदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पार्षदों ने बताया कि ऋषिकेश, यह हकीकत भी है वैसे, ऋषिकेश में देश विदेश से पर्यटक आते हैं और पर्यटक के साथ साथ तीर्थाटन का केंद्र भी है ऋषिकेश और चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव, प्रवेश द्वार आप इसे कह सकते हैं। लाखों पर्यटक, तीर्थाटन, चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री, अब सोचिए जब ऋषिकेश से गुजरेंगे तो ऋषिकेश के बारे में क्या धारणा बनाएंगे कि यह ऋषिकेश, तस्वीरों में कुछ और, हकीकत कुछ और। अब इस बात को लेकर सब आहत हैं। गोविंद नगर के टंचिंग ग्राउंड में कचरे के बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, जहां शहर का जो कचरा आता है उस राज्य की कल्पना धूमिल हो जाती है। पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के बीच एक गलत संदेश जाता है। गंगा की दूरी भी महज 50 मीटर के आसपास बताई जाती है। सारी गंदगी बरसात के दौरान बहकर गंगा में जाती है, वो अलग। अब सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान नमामि गंगे की महत्वाकांक्षी योजना पर पलीता लगाता है, और यह हाल तब है जब इस क्षेत्र से विधायक कोई और नहीं बल्कि प्रेमचंद अग्रवाल हैं, शहरी विकास मंत्री, जो पहले स्पीकर के पद पर रहे, विधानसभा अध्यक्ष, यानी कि वो खुद अपनी विधानसभा के क्षेत्र की समस्याओं के समाधान नहीं कर पाए तो उत्तराखंड का कैसे करेंगे, ये विपक्ष सवाल पूछ रहा है। पहले 2 बयान आपको सुनाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आज बेहद गंभीर विषय को लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं मेरा गांव मेरा देश में, लेकिन पहले जरा ये बयान सुनिए। देखिए, हम लोग ने जैसे जैसे देखा है, अभी जो सिफारिश समिति की यहाँ पर जो हमारे यहाँ से निगम से गई, उसके बाद इतना क्षेत्र बढ़ने के बाद भी हमारे यहाँ ना 14 वित्त में इन्होंने कोई 1 रुपया बढ़ाया, ना 15 वित्त में 1 रुपया पैसा बढ़ाया, जिससे हमारे क्षेत्र का जो विकास कार्य है वो तो बाधित हो रहे हैं। लेकिन आज बड़े दुख का विषय, इस विषय पर हमने आज ये प्रेस वार्ता रखी कि जो पैसा हमें सेंटर ने रिलीज करा हुआ है लीगेसी बेस्ट के लिए, लीगेसी बेस्ट मीन्स मतलब जो हमारा कूड़े का ढेर जो है अंबार या चुंगी पर बना हुआ है, जो कूड़ा है जिसकी बदबू पूरा शहर सूंघ के मतलब बड़ा परेशान है और सालों से बरसों से कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, वो लीगेसी वेस्ट को हटाने के लिए सेंटर से पैसा हमारा 6 करोड़ रुपये आ गया है स्टेट पर। उस दिन वर्धन जी आए थे हमारे यहाँ, मुख्य सचिव जो हमारे शहरी विकास के अपर मुख्य सचिव, उनसे हमने बात की इस पर, तो उन्होंने बोला था कि मैं 3 दिन के अंदर अंदर इसको रिलीज़ करा दूंगा। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि वो आज तक पेमेंट रिलीज़ नहीं हुई, जिससे वो कूड़े का ढेर एज इट इज़ है। कूड़े में हम लोगों के वार्ड में भी कूड़ा उठाने में गाड़ी वालों को दिक्कत हो रही है कि वहाँ पर गाड़ी बहुत ज़्यादा कूड़े से लाइन लग जाती है और वो एक गाड़ी वो खाली करने के लिए वहाँ पर कम से कम 4-5-6 घंटे लगते हैं उनको, जिससे वार्डों से सही समय से कूड़ा नहीं उठ पा रहा है। 1 तारीख को जब यहाँ पर वित्त सचिव जी आए थे तो उनको हमने एक प्रार्थना पत्र भी दिया था, उनसे मांग की थी कि हमारे यहाँ जो पैसा जो भारत सरकार से भेजा गया है
उस पैसे को यहाँ पर कूड़ेदान के लिए रिलीज किया जाए। तो उन्होंने हमारे ये, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने 500 ने एक मांग भी दिया था, तो उनके द्वारा एक मंच में कहा गया था कि आपका जो ये 6 करोड़ रुपया है, मैं 3 दिन के अंदर अंदर इस कूड़े को उठाने के लिए मैं रिलीज करूँगा। अब इस बात को 13-14 दिन हो गए, कूड़ा जो गलियों से या शहर से जो गाड़ों से उठ रहा था वो कूड़ा नहीं उठ पा रहा, और उसका ना उठने का कारण ये है कि जहाँ ये कूड़ा इस समय पड़ रहा है वो मशीनें सारी बंद हो गई पैसे के अभाव से। वो कूड़े डालने के लिए एक गाड़ी सुबह 7 बजे आ जाती है और रात शाम को 8 बजे खाली हो पा रही है। वो कूड़े का ढेर लगा हुआ सड़कों पर, जो कूड़ा बिखरा पड़ा है, और एक तरफ ये शासन प्रशासन ये कहने में लगा हुआ है कि आप, क्योंकि कांवड़ स्टार्ट हो गया है, आपको मालूम है कांवड़ हजारों संख्याएं आएगा, वो कूड़ा कहाँ जाएगा। हमारा एक मांग है कि अगर आप इस पैसे को रिलीज कर दें, और अगर ये पैसा रिलीज नहीं करते तो हम 21 तारीख को सारे 500 सचिवालय में जाके हम प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक ये पैसा रिलीज नहीं हो, चाहे उसमें 2 महीने लग जाए, 3 महीने मैं वहीं रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ। तो ये पार्षद हैं जो नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें धोखा मिला, शासन ने कहा था कि बजट स्वीकृत हो जाएगा, अब पूरे ऋषिकेश की आबो हवा खराब हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है। सीधा रुख कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से, और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की तरफ से ज्ञानेंद्र अरमोला साहब जुड़ गए हैं, जो कि इस मुद्दे पर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे पहले संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये वाकई विवाद हैरान करने वाला है, और यह हाल तब है ऋषिकेश का जब माननीय मंत्री जी के पास खुद विभाग है और उनके क्षेत्र का यह हाल है। कहीं ना कहीं समूचे सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है। सिस्टम तो उसी वक्त दिखाई दे गया था, धराशायी हो गया, जब पूरा का पूरा ऋषिकेश बरसात में डूब गया था। संजय, क्या है यह पूरा मामला? जी सर, ये जो मामला है ये पिछले 20 साल पुराना मामला चल रहा है, क्योंकि ये जो ट्रेचिंग ग्राउंड है, ये ट्रेचिंग ग्राउंड पिछले 20-25 साल से यहाँ पर ये पहाड़ की तरह खड़ा हुआ और शहर के बीचों बीच खड़ा है, जिसका असर यहाँ के आने जाने वाले जितने भी यात्री, जो पर्यटक या जो यहाँ इस जगह को देखने आते हैं, जो यहाँ का नाम सुनकर आते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा दर्दनीय विषय है। और वो यहाँ देखते हैं तो उसके बाद वो एक ऐसी छवि लेके जाते हैं ऋषिकेश की, जो वहां जाकर वो अगर वो किसी को बनाए तो बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात होती है। और जिस बात को लेकर हमारी मेयर साहिबा जीती थी कि इस टेचिंग ग्राउंड को हटाना हमारी प्रायोरिटी होगी, लेकिन वो कोशिश कर, हम ये नहीं कह रहे कि वो कोशिश नहीं कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवरुद्ध हो रहा है, और जिसकी वजह से वो टेचिंग ग्राउंड एज ए टीच खड़ा हुआ है। काम शुरू हुआ, उसके वहां मशीनें लगी कि भाई उसको डायल्यूट करते हैं, उसको जो है छांट कर उसको अलग भेजते हैं, जो चीज रिसाइकिल वाली है उनको रिसाइकलिंग में भेजेंगे, जो खाद के लिए जाएगी वो खाए, लेकिन उसके लिए भी पैसा चाहिए। और जिस बात को लेके पार्षदों ने इस बात को लेके मीटिंग करी और जो हल्ला मचाया वो इस बात को लेके ही किया कि इसके लिए अगर पैसा नहीं होगा तो टीचिंग ग्राउंड हटेगा कैसे। और पार्षद भी अपनी जगह सही है, क्योंकि जो इस नगर निगम को एक अमाउंट मिलती है, जो यहाँ के विकास के लिए जो पैसा मिलता है, उस पैसे में बहुत बड़ी कटौती की गई है, जिसकी वजह से यहाँ का काम तो रुक ही रहा है। साथ ही जो चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है, और जो यहाँ पर आने जाने वाले पर्यटक हैं, उन सबको इन चीजों से रूबरू होना पड़ेगा, क्योंकि सफाई नहीं हो पाएगी। और यहाँ जो अगर सफाई नहीं होगी, क्या कूड़ा निस्तारण को लेकर क्या समस्या आ रही है? चलिए, टंचिंग ग्राउंड वहां पर है और उसको हटाना सरकार की प्राथमिकता थी, दावे किए गए, वादे किए गए, लेकिन 20 साल से हालात वही है, लेकिन अब क्या समस्या आ रही है? संजय, ये समझना चाह रहे हैं आपसे। अब बजट की समस्या है, अगर बजट होगा तो ठेकेदार काम करेगा, वरना वो मशीनें बंद करके हटा देगा। अभी उसको टाइम दिया गया कि कुछ अपना हफ्ता 10 दिन की आप वेट करो, अगर हमारा पैसे का इंतजाम होता है, हमारे को कहीं बजट मिलता है तो हम आपको जो है ये काम आगे बढ़ाएंगे, वरना ये काम रोक दिया जाएगा। अगर ये काम रुक जाता है तो जो शहर के उस एरिया के चारों तरफ जो लोग रहते हैं, जो गोविंद नगर है, जो जहाँ के पार्षद से आप बात कर रहे थे अभी, उन पार्षद को उससे पूछिए कि वहाँ किस तरह का माहौल है, कितनी बदबू और कितनी गंदगी वहाँ होती है, तो वहाँ जो लोग रहते हैं वो इस चीज को अच्छी तरह बता सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जब ऋषिकेश का आपने जिक्र किया, एक तो वो चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार, दूसरी तरफ कांवड़ शुरू हो गया, तीसरी तरफ ये कि तीर्थाटन और पर्यटन के लिए खुद ऋषिकेश में
भारी संख्या में लोग आते हैं, तो ऐसी कल्पना की जा रही है, ये स्वच्छ भारत अभियान पे भी एक पलीता है और नमामि गंगे पर भी। संजय, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ट्रेचिंग ग्राउंड है गंगा जी से मात्र 50 मीटर की दूरी पे है, 50 मीटर की, इसमें पानी भरता है, हाँ पानी भरता है या इसमें गंदगी होती है, वो सारा पानी गंगा जी में जाएगा पूरी गंदगी को लेके। और जो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। अगर इस चीज के लिए भी सरकार पैसा नहीं दे पाएगी तो नमामि गंगे परियोजना को बंद कर देना चाहिए। संजय, ये स्थिति जो बनी हुई है, वाजिब सी बात है कि माननीय 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 श्री 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 मंत्री जी के भी संज्ञान में होगा, और मंत्री जी ने यह वादा भी किया था कि हम इसे टंचिंग ग्राउंड को हटाएंगे, लेकिन आज भी टंचिंग ग्राउंड बना हुआ है और वो भी उनके पास विभाग होने के बावजूद, और वो भी नमामि गंगा जैसा इतना बड़ा योजना चल रही है, इतनी बड़ी योजना चल रही है उसके बावजूद भी नहीं। मैं आपके पास आऊं, लेकिन इस वक्त ज्ञानेंद्र रमोला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमोला जी, ये ऋषिकेश के हालात वाकई सवाल खड़े करते हैं, और पिछली बार हमने देखा था और दिखाया भी था कि बरसात आई और समूचा का समूचा ऋषिकेश पानी में डूब गया, लेकिन यहां स्थिति कुछ और है अब, और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि बजट क्यों नहीं मिल पा रहा। मंत्री जी के पास तो खुद विभाग है जहां से वो विधायक है, मतलब अपने क्षेत्र में ही बजट नहीं दिलवा पा रहे वो। रमोला जी, रामोला जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी नमस्कार। पहले जी, तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे फिर ऋषिकेश के बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपने चैनल पर बुलाया। ये मुद्दा आज का नहीं है, जैसा कि संजय भाई ने बताया 20 साल से ज्यादा ये मुद्दा है। और एक बात और करेक्शन करना चाहूंगा कि ये ट्रेचिंग ग्राउंड नहीं है, ये डंपिंग ग्राउंड है। ये जब कूड़ा धीरे धीरे करके इसमें शुरू डालना किया गया था, उसी समय से वहां के लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन तत्कालीन कुर्सी पे रहे उस समय उन लोगों ने भी इसकी तरफ से अनदेखी रखी। ऐसा नहीं है कि अभी वाले गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ उससे पहले से भी होता हुआ आया है, क्योंकि अगर ये उसी समय रोक दिया जाता है नासूर को, तो शायद क्योंकि इसने जाना था कहीं और, वहां किस तहत रुका गया, फिर शहर के बीचों बीच इस डंपिंग ग्राउंड को बनाया गया, और आज ये भयावह स्थिति में है। और स्थिति जैसा आपने कहा, मैंने पहले बार जब कहा था आपसे कि जब पानी भर गया था ऋषिकेश में, यहाँ एक इंजन की सरकार नहीं है, पांच छह इंजन की सरकार चल रही है। आप वार्ड मेंबर से लेके अगर देखेंगे, पार्षद से लेके मेयर, विधायक और सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक सब भाजपा के हैं। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी ये अपनी बड़ी शान से छाती ठोक कर कहते हैं, और आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी जो कि नंबर 2 के मंत्री हैं प्रदेश के अंदर, जब उनको, जब पूर्व में अध्यक्ष थे, विधानसभा अध्यक्ष, जब उनको कोई विधायक जी कहता था, वो बहुत नाराज होते थे कि मैं अध्यक्ष हूं, विधायक जी क्यों करें। अब आप तो मंत्री जी हैं, उसके बावजूद भी आप दोनों की लड़ाई, मैंने पिछली बार कहा कि ये मेयर और विधायक की जो आपस में, मंत्री की जो आपस में लड़ाई है, उस लड़ाई का खामियाजा आज ऋषिकेश की महान जनता को भुगतना पड़ रहा है। और माँ गंगा के लिए अब आप समझिए अभी कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, इससे पहले चार धाम यात्रा लगातार बड़ी जोरदार तरीके से चली। जो हमारा यात्री आता है, आप ऋषिकेश विधानसभा में जैसे ही घुसेंगे, हरिपुर से जब जैसे ही श्यामपुर फाटक में पहुंचेंगे, तो लेफ्ट हैंड पे दुनिया भर का कूड़ा कचरा दिखाई देगा। ऐसा नहीं है खाली ऋषिकेश इस जगह पे है, तमाम कई जगहों पर ऋषिकेश की पूरी विधानसभा में जगह जगह कचरों के ढेर है, लेकिन मंत्री जी सोए हैं, सांसद जी, तो मुझे लगता है सांसद जी के तो पोस्टर लगाने चाहिए गुमशुदा के तलाश के अंदर, आज तक वो दिखाई नहीं दिए हैं, अब चुनाव आ गए तो शायद अब दिखाई देने लगे। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई है, और मैं उन पार्षदों को सलाम करता हूँ, पार्षदों का स्वागत करता हूँ कि जिन्होंने इस देर आए दुरुस्त आए, जिन्होंने इस आवाज को उठाने का काम किया कि कम से कम पार्षद, और वो जो पार्षद जो भाजपा से जीते, जो डर रहे हैं, उनको भाजपा ने चुनाव नहीं जिताया, उनको भाजपा ने टिकट जरूर दिया, उनको जनता ने चुनाव जिताया, और जनता ने उन्हें चुनाव जिताकर इसलिए भेजा है कि वो उनकी, उनके लिए जो समस्याएं खड़ी है, जो अधिकारी उनकी बात नहीं कर रहे हैं, उनकी आवाज उठाने का काम करें। लेकिन नहीं, आज नहीं, ये बताया टंचिंग ग्राउंड नहीं, डंपिंग ग्राउंड था, मुंह बंद करके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उन जनता के प्रति वो अन्याय कर रहे हैं, उनको भी जागना चाहिए। और जो ये पार्षद लोग इस समय इस आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, मैं इनके साथ तन मन धन के साथ खड़ा हूं, उनसे भी कहूंगा, उनसे भी कहूंगा जो लोग पार्षद इनके साथ नहीं है वो इनके साथ जुड़े और इस महाबीमारी को दूर करने का काम करें, क्योंकि गोविंद नगर नहीं, ये ऋषिकेश की सबसे बड़ी बीमारी में से एक है, इसी बात में समझ पाया। रमोला साहब,
लेकिन समस्या का समाधान क्या है और क्यों किस वजह से, ये आपने बताया कि भाई ये टंचिंग ग्राउंड नहीं है, ये डंपिंग ग्राउंड था और आज इसे जो है इस हालात तक पहुंचा दिया इन लोगों ने, तो इस समस्या का समाधान क्या है? राजनीति ठीक है अपनी जगह, लेकिन ऋषिकेश की पहचान अपनी जगह है और विश्व के स्तर पर है। मैं देश के स्तर पर बात ही नहीं कर रहा, विश्व के स्तर पर जो पर्यटक आते हैं, विदेश से आते हैं, वो क्या संदेश लेकर जाएंगे? सवाल ये है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही है। इसका एकमात्र इलाज है कि पूरे युद्ध स्तर पर प्रदेश सरकार को, नगर की सरकार को, विधानसभा की सरकार को, इनको एक पूरे इस युद्ध स्तर पर इसको जहां शिफ्ट करना हो उसको तुरंत तुरंत शिफ्ट कराया जाए, क्योंकि अभी मशीनें इसमें चल रही थी। थोड़े से प्रयास इस बार इन्होंने किए भी थे, लेकिन उससे प्रयास वो फेल हो गए, बजट के चक्कर में रुक गया पूरा का पूरा मामला। अभी पिछले साल विधायक जी ने भी, मेयर जी ने भी बड़े बड़े होर्डिंग लगाए कि हमने ये ट्रेचिंग ग्राउंड शिफ्ट कर दिया और दोनों सिरे लेने का काम कर रहे थे, लेकिन आज जस का तस है। एक साल से ज्यादा हो गया जस का तस है। आप जहां भी इसको शिफ्ट करेंगे, लेकिन कम से कम ऐसी जगह शिफ्ट करें जहां पर मानव रहित जगह हो, जहां पर लोग बहुत दूर तक हो जो इसके नियम को, ताकि उनको फिर यहाँ जो परेशानी आज नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दूसरे जगह के लोग ना भुगते। हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर नेगी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? डॉक्टर नेगी जी, ये जो टंचिंग ग्राउंड और डंपिंग ग्राउंड का जो मसला है और जो कूड़े के निस्तारण को लेकर आप पार्षद नाराज हो गए हैं, कह रहे हैं कि हम देहरादून में जाकर धरना देंगे और तब तक धरना देंगे जब तक हमें बजट स्वीकृत नहीं हो जाता, इस विवाद को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ऋषिकेश को इस हालात में खड़ा करने का जिम्मेदार कौन है? लेकिन निश्चित तौर पर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिन्हें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने चाहिए तक मुद्दे को लेकर, वो अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। चुनावी मैनिफेस्टो में जरूर ये मामला आ जाता है कि चुनाव जीतने के एक साल के अंदर, चाहे हम अपने माननीय मेयर साहब की बात करें, ये पिछले 15 वर्षों से जो ऋषिकेश में जमे हुए माननीय विधायक जी, जिन्होंने आप इस बार हैट्रिक पार करी है और जो कहते हैं कि मैं चौथी बार ऋषिकेश का जो विधायक बना हूँ, उनको उसका काम भी करना चाहिए और काम का रिजल्ट भी ऋषिकेश की जो देवतुल्य जनता है और ऋषिकेश विशेष तौर पर, क्योंकि ये नासूर के पहाड़ जो खड़ा है हम ऋषिकेश की छाती पर, इसको यहाँ से हटाना चाहिए था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी पूर्व में जब हम लोग ऋषिकेश में कुछ मामलों को लेकर, चाहे सड़क की बात को लेकर चले जाएं, या कहीं भी नदी नालों की बात को लेकर चले जाएं, खरंजे बिछाने की बात को लेकर नगर आयुक्त जी से मिलते थे, तो उनके द्वारा क्या जाता था कि पूरा का पूरा जो बजट है 8 करोड़ का, वो टचिंग ग्राउंड के लिए लगा दिया गया है, इस कूड़े के ढेर के लिए, जिसके कारण ऋषिकेश के जो अन्य कार्य वो भी नहीं हो पा रहे थे। पर अब इसी टचिंग ग्राउंड के बजट रुकने से जो है एक समस्या और उत्पन्न हो गई है, क्योंकि ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर आने वाली है जिसका तत्काल समाधान होना चाहिए। कह रहे हैं कि समस्या गंभीर है और उसका समाधान होना चाहिए, दावे और वादे हर बार किए। आप विधायक बोल रहे हैं, विधायक मत बोलिए, मुझे पता चला वो विधायक बोलते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं। मंत्री जी बोलिए, मंत्री जी हैं वो, और इससे पहले स्पीकर थे, स्पीकर बोलिए, मंत्री जी और स्पीकर हैं वो। खैर नेगी जी, आपको क्या लगता है कि ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? क्या राजनीति आड़े आ रही है, या फिर जनता का सहयोग नहीं मिल रहा, या फिर वाकई में जो टंचिंग ग्राउंड ढूंढने की कवायद है वो पूरी नहीं हो पा रही, वजह क्या है? जो लड़ाई है, चाहे वो माननीय हमारे मेयर हैं, चाहे माननीय मंत्री जी है, उनके आपस में ही सामंजस्य नहीं बैठ पाता। अगर आप किसी मुद्दे को लेकर नगर निगम में जाएं, एक सड़क का मुद्दा नगर निगम के अंदर की आप बात करें, मैं उग्रसेन नगर में रहता हूँ, मैं वहाँ की सड़क को लेकर अभी मेयर साहब से मिला, तो उन्होंने कहा कि आप माननीय मंत्री जी से मिलिए। अभी चुनाव के दौरान जब माननीय मंत्री जी इस रोड पर आए थे, तो उनसे बोला गया कि भाई इस रोड को बनवा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नगर निगम के महापौर से मिलिए। तो मतलब अपनी गेंद दूसरे के पाले में फेंकने का काम चल रहा है, बजाय कि उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के। ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है, उनकी आपसी जो है एक दूसरे को क्या कह लीजिए कि काम अटकाने का काम किया जा रहा है। और मैं तो इस समय माननीय मंत्री से गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि वो नगर विकास शहरी विकास मंत्री हैं और ऐसा कोई काम नहीं है पूरे प्रदेश के अंदर, इसी के तो उनका गृह क्षेत्र है, यहाँ से तो वो बार बार चुनकर आए जा रहे हैं, तो ये तो उनके लिए बहुत छोटा सा मामला है, उसको तो उनको तत्काल प्रभाव से करना चाहिए। क्योंकि ये जो पूरा जो वहां से निकलता है, जब बरसात, अगर आप परसों यहाँ देखते थे, जितना भी नालों का पानी था, जितना भी सिविल का पानी था, वो सारा का सारा पानी टचिंग ग्राउंड से होते हुए, पुरानी चुंगी से होते हुए माननीय मंत्री जी के घर की। ठीक, देवेंद्र प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पार्षद हैं। देवेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। कैसे हैं देवेंद्र जी आप? ठीक है, बढ़िया है।
देवेंद्र जी, ये ऋषिकेश का हाल देख के बड़ा अफसोस होता है, बड़ा मन दुखी होता है, विचलित भी होता है कि ये ऋषिकेश के हालात किसने लाकर यहाँ पर इसको खड़ा कर दिया। क्या क्या ऋषिकेश की धारणा देश विदेश से आए पर्यटकों के मन में जहन में है, लेकिन एक और तस्वीर ऋषिकेश की और भी है। ये कूड़े को लेकर विवाद क्या है, क्यों स्वच्छता अभियान पर पलीता लगाया जा रहा है, क्या विधायक पार्षद जी क्या विवाद क्या है? देखिए, विवाद का तो पता नहीं, लेकिन जनता ने जिस भाव से ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ साथ यहाँ पर पार्षद भी मैक्सिमम पार्षद भाजपा के चुन के तरीके से विफल है, और हमारे यहाँ पर चार बार के विधायक और इस बार शहरी विकास मंत्री माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी जो कि एक अहम पद पर बैठे हैं और इस ऋषिकेश को एक स्वच्छ बनाने के दृष्टिकोण से ना देखने के अलावा मंत्री हो उसके क्षेत्र का जब ये हाल हो तो सवाल उठने चाहिए। मैं माफ की बात मान गया, लेकिन समस्या क्या आड़े आ रही है मैं ये जानना चाह रहा हूँ, और इसका समाधान क्या है पार्षद? समस्या तो तारीख को बोला कल आपने हमारा देखा होगा, मैंने प्रेस की है, हमारे को यहाँ पर माननीय अपर सचिव शहरी विकास आए थे, तो उन्होंने हमको 1 तारीख को जब वो आए थे उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जो लिगेसी वेस्ट जो आप कूड़े का इतना बड़ा हमारे स्टेशन में ढेर देख रहे हैं, जो इतना बड़ा बम्पार कूड़े का बन चुका है, जो जिसका पानी जरा सी बारिश होने पर माँ गंगा में उसका सारा कीचड़ जाता है, उसके लिए हमने जब उन्हें गंभीर समस्या से अवगत कराया था तो उन्होंने स्पष्ट बोला था कि मैं इसे 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो 6 करोड़ रुपए जो शासन से अप्रूव हो रखा है ये लीगेसी वेस्ट का, हर जगह जहां जहां पर भी कूड़ा इकट्ठा है इस तरीके का बना है पूरे भारतवर्ष में, तो उसके लिए शासन और भारत सरकार ने लीगेसी वेस्ट के हटाने के लिए सबको फंड रिलीज करा है, जिसमें हमें भी 6 करोड़ रुपए हमारा भी पेमेंट आया है नगर निगम ऋषिकेश के लिए, जो लीगेसी वेस्ट हटाने के लिए हमने टेंडर करा हुआ था, उसमें काम चल रहा था। पार्षद जी मेरी आवाज आ रही है ना आपको? मैं ये कह रहा हूं कि मैं समझ गया आपको बजट नहीं मिल पा रहा, कुल मिलाकर ये है पार्षद जी। जी जी माननीय, कुल मिलाकर ये है ना देवेंद्र जी कि आपको बजट नहीं मिल पा रहा? जी सर, बजट नहीं मिल पा रहा। बजट नहीं मिल पा रहा, और आप इसके लिए रास्ता क्या तलाशा आपने? धरना कब से देंगे? 21 तारीख को सर हम सभी पार्षद लोग ने हमने एक मनाया है कि 21 तारीख को हम लोग सचिव ले जाएंगे, और यहाँ पर हम मेयर को भी, क्योंकि जलपाईगुड़ी मेयर भी है, तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो भी हमारे साथ चले। आपने मेयर से कहा नहीं कि ये हालात बने हुए, जरा मंत्री जी को फोन करके बताइए कि बजट नहीं रिलीज हो रहा? कई मरतबा बोल चुके हैं साहब। तो क्या बोला मेयर जी ने? मेयर ने क्या जी को कुछ भी पार्षद जोड़ों के लेटर गए हैं, लेकिन इस पर कोई हमें पॉजिटिव जवाब नहीं मिला, इसलिए हमने ये कदम उठाया। देवेंद्र जी जवाब नहीं मिला, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब मेयर से आपने कहा तो उन्होंने मंत्री जी को फोन किया कि नहीं कि बजट नहीं रिलीज हो रहा और आपके विधानसभा क्षेत्र का ये हाल है? जी बिल्कुल, उन्होंने इस तरह से बोला कि मैं बात करूंगी और उन्होंने बात की होगी, लेकिन अभी हम तक तो कोई ऐसा पॉजिटिव थिंग्स आई नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, इतनी बड़ी बात है, देखिए सरकार का अपर सचिव शहरी विकास आ रखे थे, उन्होंने स्पष्ट बोला कि यहाँ पर 6 करोड़ रुपए नगर निगम ऋषिकेश का हमारे पे पड़ा है, हम इसको रिलीज कर देंगे, लेकिन आज तक मतलब उन्होंने 1 तारीख को बोला था और आज हम 15 तारीख को बैठे हैं, लेकिन आज तक उनका कोई ये जवाब नहीं आया कि वो पेमेंट रिलीज क्यों नहीं हो पाया, जबकि वो सिर्फ उन्हें एक रिलीज करना है और कुछ नहीं। अब इसको कौन रोक रहा है, कहाँ रोक रहा है, ये हम 21 तारीख को उनसे जाके पूछेंगे, अगर हमें वहां भी सही जवाब नहीं मिलता है तो हम तब तक धरने प्रदर्शन वहां पर धरने पर बैठे रहेंगे जब तक इस चीज का हमें पूरा। देवेंद्र जी मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप जरा लाइन पर रहिएगा, और हमारी कोशिश हमारी मुहिम जो है मेरा गांव मेरा देश में बिल्कुल साफ है कि हम जिम्मेदार महकमे को अवगत करवाते हैं उन समस्याओं के बारे में जो समस्याएं इस वक्त लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई हैं। बिजली पानी सड़क शिक्षा स्वच्छता अभियान, यही हमारे मुद्दे होते हैं। हम हिंदू मुस्लिम पर चर्चा नहीं करते, हम धर्म के आधार पर जाति के आधार पर कोई चर्चा नहीं करते, हम ऐसे ही मुद्दे जो जनहित के मुद्दे होते हैं सेतु के रूप में काम करते हैं ताकि जन समस्या के बारे में जिम्मेदार विभाग को यानी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है
उनको उसके बारे में अवगत करवाया जाए। अब मेयर को हम काफी देर से फोन मिला रहे हैं और इस कार्यक्रम में हम क्या करते हैं कि जब कोई शख्स फोन नहीं उठाता नंबर ब्लॉक कर देता है, क्योंकि नंबर ब्लॉक करने का मतलब होता है कि समस्या ब्लॉक कर देना, यह उनकी गलतफहमी होती है जो नंबर ब्लॉक करते हैं, क्योंकि नंबर ब्लॉक करने से समस्या ब्लॉक नहीं होती है। अब लाइव में हम फोन मिलाएंगे मेयर को और उनके फोन की घंटी हम समूचे ऋषिकेश और उत्तराखंड को सुनाएंगे। यह फोन की घंटी है, देखते हैं फोन उठाती है नहीं उठाती। मैडम अनीता ममगई मेयर है यहां से ऋषिकेश से, और विवाद दरअसल यही बताया जाता है कि विधायक माफ करिएगा विधायक नहीं मंत्री जी जो यहां से विधायक है उनके और मेयर के बीच का है, जिस वजह से पिसती है ऋषिकेश की जनता, ऐसा आरोप है विपक्ष का। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है तो जैसी उम्मीद थी नहीं दे रही। अनीता मैडम ने फोन नहीं उठाया, यानी कि वो समस्या के बारे में अवगत है, विषय के बारे में अवगत है, और मेरे सहयोगी बता रहे कि उनको बताया गया था बकायदा, और लाइव में आपने सुना पूरी फोन की रिंग जा रही है लेकिन मैडम फोन नहीं उठा रही। हो सकता है कहीं बिजी हो, कहीं फीता काट रहे हूं, लेकिन पार्षद जी मैडम तो फोन नहीं उठा रही, इसका मतलब यह है कि मामले को लेकर वो सीरियस नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ऋषिकेश की जनता सीरियस है तो वो मैडम को ये YouTube पर भेजा हुआ लिंक जो है वो जरूर भेजेंगी मैडम को कि मैडम आप फोन क्यों नहीं उठाते, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ऋषिकेश की जनता पर मुझे पूरा भरोसा है, बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। देवेंद्र जी इससे मैं यही कहूंगा कि जब हम लोगों ने जिस दिन सचिव अपर सचिव यहाँ पर आए थे उस दिन जब हमने ज्ञापन पार्षद ने तैयार किया तो अचानक मैडम मेयर मैडम वहाँ पर आ गई थी, और तो मैडम ने खुद भी हमारे साथ में अपर सचिव को बोला था कि आप पेमेंट रिलीज करो और जल्दी करो, और जहाँ पर अगर कोई दिक्कत आई है तो आप मुझे बताओ मेरी बात करो, इस तरीके की बात हो रही थी वहाँ पर। लेकिन अब क्यों नहीं उठानी ये मैं नहीं जानता साहब, लेकिन ये कुल मिलाकर यह है कि ये लीगेसी वेस्ट का जो हमारा पेमेंट पड़ा हुआ है, जो कूड़े का इतना बड़ा अंपायर है, आपने मुहिम इस अपने माध्यम से छेड़ी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पहले तो आपके इस चैनल का। धन्यवाद उस ऋषिकेश की जनता का जब वो इस मुहिम में शामिल होंगे, इस मंच के माध्यम से इस बात का ऐलान करते हुए हमें कोई संकोच नहीं हो रहा कि जब तक क्योंकि मसला माँ गंगा का है, यानी कि आस्था का है, विश्वास का है, और माँ गंगा अगर मैली होती है तो उसके जिम्मेदार जितने आप हैं उतना मैं भी हूं। तो इसको एक मुहिम की तरह ऋषिकेश की इस सबसे बड़ी बीमारी को मंत्री जी को दूर करना होगा पहली बात, मेयर जी को दूर करना होगा दूसरी बात, और ट्रिपल इंजन की सरकार एक काम करते हैं। पार्षद जी ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ना पार्षद जी, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अभी जैसे मैडम को फोन मिलाया, मैडम ने फोन नहीं उठाया, एक समाधान है इसका। आप कह रहे हैं ना बजट रिलीज होना समस्या का समाधान नहीं है, कूड़ा निस्तारण समस्या का समाधान है जहां तक मुझे लगता है। कूड़ा निस्तारण तो समस्या आप सही कह रहे हैं। तो एक काम करते हैं पार्षद जी, आपके सहयोग की थोड़ी सी हमें गुजारिश है, सहयोग की उम्मीद और ऋषिकेश की जनता से जी। क्या सहयोग करना होगा अभी ट्विटर पर हम मैडम, क्योंकि मेयर मैडम के पास वक्त नहीं है, हो सकता है वो ट्विटर पर एक्टिव हो, मंत्री जी तो मंत्री जी हैं, पूरा उत्तराखंड संभालना उनको, और पिछले 15 सालों से है ना मंत्री जी विधायक है यहां से, तो अभी हम ट्वीट करते हैं, कोशिश करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी को भी बताएं कि ऋषिकेश का यह हाल है, प्लीज गुजारिश है, और मुख्यमंत्री जी को भी ट्वीट करते हैं और कोशिश करते हैं मंत्री जी अगर जाग जाएं तो अच्छी बात है, और मेयर जी फिर देखते हैं कि समस्या का समाधान होता है या नहीं होता, कोशिश करके देखते हैं, कोशिश में गुरेज कैसा हो सकता है पार्षद जी, इसमें सहयोग बस इतना चाहिए होगा आपका, आपको रीट्वीट करना होगा बस, करेंगे पार्षद जी? जी आवाज दे रही है। मैंने कहा इतना सहयोग चाहिए होगा ऋषिकेश की जनता का और आपका कि आपको उस समस्या को रीट्वीट करना होगा। जी बिल्कुल करेंगे, करेंगे आप, ठीक है पार्षद जी, कोशिश करते हैं। जो ये जो हमारे साथ जुड़े थे देवेंद्र प्रजापति, इनका कहना यह है कि बजट रिलीज नहीं हुआ तो धरना देंगे, धरना समस्या का समाधान है या नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन समस्या जिम्मेदार महकमे को अवगत करवाना और उसके बाद समस्या का समाधान ना होना फिर सवाल खड़े करता है। संजय जी फाइनल कमेंट आपका, अब पार्षद कह रहे हैं मैडम तो फोन नहीं उठा रही है, मैं कोशिश करता हूं दोबारा से एक बार रिंग सुनाने की, लेकिन यह समस्या वाकई गंभीर दिखाई दे रही है, ऋषिकेश की सबसे बड़ी बीमारी दिखाई दे रही है जितना हम समझ पाए। संजय जी
संजय जी, ऋषिकेश की सबसे बड़ी बीमारी दिखाई दे रही है ये? जी जी, हेलो जी, संजय पार्षद कह रहे हैं जी। और खुद हालात बता रहे हैं कि ये ऋषिकेश की सबसे बड़ी बीमारी है कि नहीं? जी बिल्कुल, ये बीमारी बहुत पुरानी हो चुकी है और इसका इलाज बहुत ज्यादा गहराई से करना पड़ेगा, और इसको एक आदमी या दो आदमी नहीं, इसके लिए पूरा महकमा, पूरी सरकार, सब पूरे लोगों को एकजुट होकर इसका जो है निस्तारण करना पड़ेगा। जब तक लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक जो है ना तो सरकार सहयोगी से चाहूंगा कि मैडम के फोन की रिंग सुनाइए प्लीज। मैडम को एक बार फिर से फोन, उनके फोन की रिंग, ताकि ऋषिकेश की जनता सुन पाए, देख पाए कि मैडम कहते हैं बहुत एक्टिव हैं और अपने क्षेत्र में लोगों की समस्याएं सुनती हैं, लेकिन वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? और जब उनको इस मामले के बारे में अवगत करवाया गया उसके बावजूद भी फ़ोन ना उठाना सवाल खड़े करता है। तो ऐसे में मैडम का फ़ोन ना उठाना और ऋषिकेश की जनता का परेशान होना, यानी कि पाँच पाँच इंजन काम कर रहे हैं। मैडम का फोन की घंटी एक बार फिर से। द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। अब इस बार व्यस्त हो गया नंबर, यानी कि उन्होंने फोन काट दिया, और ये ट्रू कॉलर में साफ दिखाई देता है कि आप कहां से कॉल कर रहे हैं। ये स्थिति है सिस्टम की, पांच पांच इंजन, एक नहीं पांच पांच इंजन ऋषिकेश में। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। तो ये थे ऋषिकेश के हालात, जहां पर स्वच्छता के इम्तिहान में ऋषिकेश पिछड़ रहा है, वो भी तब जब खुद प्रधानमंत्री की मुहिम पर अपने ही पलीता लगा रहे हैं, यानी कि मंत्री, मेयर, पार्षद, खुद ऋषिकेश के ये हालात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे आपसे जुड़े मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।